नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे आप किसी भी बच्चों के प्रोजेक्ट में या लेडीज़ प्रोजेक्ट में डालें, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। इसे बनाने के लिए हमें ऑड नंबर में कितने भी फंदे चाहिए, यानी जो फंदे दो से ना कटते हों, ऐसे हम कितने भी फंदे ले सकते हैं। डिज़ाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। तो मैं डिज़ाइन इसी के ऊपर बनाऊंगी, आप इसे पहली लाइन समझें। तो बॉर्डर बनाने के बाद ये डिज़ाइन का पहला लाइन है और सामने से, तो हम अपने प्राइमरी कलर के ऊन से ही सभी फंदे सीधे बना लेंगे। तो पहली लाइन में हमने सभी फंदे सीधे बना लिए। अब ये डिज़ाइन का दूसरा लाइन है और रॉन्ग साइड, तो सभी फंदे हम उल्टे बना लेंगे। दूसरी लाइन में सभी फंदे उल्टे। दो लाइन बुनने के बाद तीसरी लाइन में हम अपना सेकंड कलर अटैच करेंगे और पहला फंदा हम सीधा बुन लेंगे। अब ऊन अपनी ओर करेंगे और अगले फंदे को उल्टा बुनेंगे। अब ऊन हमारी तरफ ही रहेगा और नेक्स्ट फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। अगला फंदा उल्टा, नेक्स्ट फंदा हमें स्लिप करना है और अगले फंदे को उल्टा बुन लेना है। एक फंदा स्लिप करेंगे, अगले फंदे को उल्टा बुन लेंगे। स्लिप करेंगे, नेक्स्ट फंदा उल्टा। एक फंदा स्लिप करेंगे, अगला फंदा उल्टा। एक फंदा स्लिप करेंगे, अगला फंदा उल्टा। एक फंदा स्लिप करेंगे और अगले फंदे को उल्टा बुन लेंगे। इन्हीं दो फंदों को पूरी लाइन में दोहराएंगे। एक फंदे को स्लिप करेंगे, अगले फंदे को उल्टा बुनेंगे। एक फंदे को स्लिप करेंगे, अगले फंदे को उल्टा। ऊन हमेशा हमारी तरफ ही रहेगा। और लास्ट फंदा बचा है तो ऊन दूसरी ओर करेंगे और इसे हम सीधा बना लेंगे। तो ये हमारा तीसरा लाइन कंप्लीट होता है। अब हम रॉन्ग साइड में हैं और ये डिज़ाइन का चौथा लाइन है। तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे। अब देखिए, ये फंदा जिसे हमने बुना था, वापस इसे उल्टा बुन लेंगे और जिस फंदे को हमने स्लिप किया था उसे वापस स्लिप करेंगे। यानी हम अपना दूसरा लाइन ही दोहरा रहे हैं। जिस फंदे को स्लिप किया था उसे स्लिप करना है और जिस फंदे को बुना था उसे वापस बुन लेना है। और ऊन हमारा हमारी तरफ ही रहेगा। यानी चौथे लाइन में हम अपने तीसरे लाइन को ही दोहरा रहे हैं। जिस फंदे को हमने बुना था उसे वापस उल्टा बुनना है और जिसे स्लिप किया था उसे स्लिप कर लेना है। ऊन हमारा हमारी तरफ ही रहेगा। स्लिप किए फंदे को स्लिप करना है और बुने हुए फंदे को बुनना है। राइट साइड से भी हमने उल्टा बुना था और इस रॉन्ग साइड से भी हम उल्टा ही बुन रहे हैं। यानी अपने तीसरे लाइन को ही हम दोहरा रहे हैं। लास्ट फंदा इसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो हमने चार लाइन कंप्लीट कर लिया।
पांचवे लाइन चार लाइन कंप्लीट कर लिया। पांचवे लाइन में हम अपने प्राइमरी कलर के ऊन से पहला फंदा सीधा बुनेंगे। अब देखिए ये दूसरे फंदे को हमने बुना था तो हमको पांचवे लाइन में भी इसी फंदे को सीधा बुनना है, तो इसे सीधा बुन लिया। देखिए इस फंदे को हमने स्लिप किया था तो हमें इस लाइन में भी इस फंदे को स्लिप करना है, लेकिन अब की ऊन हम अपनी तरफ कर लेंगे। इसे स्लिप कर लिया, अब ऊन दूसरी तरफ करेंगे। देखिए हमारा धागा जो है इस फंदे के ऊपर से जाना चाहिए, तो अगले फंदे को हम सीधा बुने थे, जिसे हमने सीधा जिस फंदे को हमने अभी तक बुना था उसी फंदे को हमें सीधा बुनना है और ऊन अपनी ओर करना है। देखिए इस फंदे को हमने स्लिप किया था तो इस लाइन में भी इस फंदे को स्लिप ही करना है ऊन दूसरी तरफ। अब देखिए ये जो सेकेंडरी कलर वाला फंदा है इसे हमें सीधा बुनना है, ऊन अपनी ओर करना है और प्राइमरी कलर वाले फंदे को हमें स्लिप करना है। अब ऊन को दूसरी तरफ कर लेंगे। देखिए ऊन इस फंदे के ऊपर से ऐसे जाना चाहिए। नेक्स्ट फंदा सेकेंडरी कलर वाला, इसे हम सीधा बुन लेंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे, प्राइमरी वाले कलर वाले फंदे को स्लिप करेंगे, ऊन दूसरी ओर करेंगे, सेकेंडरी कलर वाला फंदा वापस सीधा बुन लेंगे, ऊन अपनी ओर, प्राइमरी कलर वाले फंदे को स्लिप करेंगे। तो हम जिस फंदे को स्लिप कर रहे हैं उसी फंदे को स्लिप करना है और जिस फंदे को बुन रहे थे उसी फंदे को हमें वापस बुनना है, लेकिन स्लिप करने से पहले उनको हमें अपनी तरफ कर लेना है। तो एक फंदे को हम सीधा बुन रहे हैं और एक फंदे को स्लिप कर रहे हैं। बुने हुए फंदे को ही हमें सीधा बुनना है और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेना है, लेकिन स्लिप करने से पहले उनको हमें अपनी तरफ कर लेना है। अब उन दूसरी ओर किया, ये बुना हुआ फंदा है इसे हम सीधा बुन लेंगे, उन अपनी ओर, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर, बुने हुए फंदे को सीधा। तो इसी तरह करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। और लास्ट फंदा इसे हम सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारा पांचवा लाइन कंप्लीट होता है। अब हम रॉन्ग साइड में हैं और ये डिज़ाइन का छठा लाइन है, तो छठे लाइन में हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे, बुने हुए फंदे को और स्लिप किए हुए फंदे को, सभी फंदों को हमें उल्टा बुन लेना है। अब इसके ऊपर हमें इन्हीं छह लाइनों को दोहराना है और देखिए ये खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन है, बनाने में आसान और कितना खूबसूरत। तो फ्रेंड्स डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और रॉन्ग साइड से ऐसा, डिज़ाइन बेहद खूबसूरत है। आप इसे अपने स्वेटर में ज़रूर ट्राई करें। तो डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।